मैं ये मराठ याफ्ता तबका ये VIP कल्चर खत्म करूंगा। ये आपका एक गवर्नर कराची में 800 केनाल पर मुश्तमिल घर में रहता है, आपका खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर एक किला है। शर्म करो लोगों, व्हाइट हाउस अमेरिका के सदर अमेरिका के घर से बड़ा घर है तुम्हारे गवर्नर का, तुम्हारे पंजाब के गवर्नर का, आपके बरतानिया के वजीर आजम 10 मरले के 6-7 कमरों के छोटे से घर में रहता है। और ये कर्जे लाते हैं और वही कर्ज इन बंगलों पर इनके प्रोटोकॉल कल्चर पर खत्म होता है। मैं आपके भाइयों से मुतालबा किया कि मैडम अपने बच्चे के लिए कोई आया रखो, आया क्या आया रखो, नौकरानी रखो। उस मेंबर ने कहा खातून की कि मेरी तनख्वाह में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं असेंबली में आवाम की नुमाइंदगी करती हूँ और जब छुट्टी मिलती है फिर मिठाई की दुकान पर नौकरी करती हूँ। ये स्विट्जरलैंड की बात करता हूँ। पता है ओबामा रिटायर हो गए तो एक कंपनी में मुलाजिम हो गए, रूस के सदर गोरबाचोव सदारत से फारिग हो गए तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे, बिल क्लिंटन रिटायर हो गए तो यूनिवर्सिटियों में मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। और आपके यहाँ जब कोई वजीर फारिग होता है तो उस दिन की बात है, एक आम वजीर के घर मिस्टर चावला के घर से 4 अरब बरामद किए गए। लोगों ये क्या पाकिस्तान है? इसलिए मैं कौम से कहना चाहता हूं कि इन चोरों का लुटेरों का एहतसाब नाते हो तो अदल और इंसाफ के निशान तराजू पर चप्पल लगाओ, तराजू आएगा तो आएगा अदल और इंसाफ होगा, तराजू आएगा हर माँ बहन बेटी को, हर बूढ़े और नौजवान और बच्चे को अपना हक मिलेगा। मैंने जो कुछ कहना था मैं कह दिया। अब्दुल हुदा साहब को, सरदार जुबैर साहब को, आयने सारे मेहरूनी दौरान फरवरी को, 8 फरवरी को हम इंशाअल्लाह ताला तराजू पर थप्पड़ लगाएंगे।